सिर्फ में मोर सिंह पहलवान है और वाल्मीकि कॉमेडी के बब्बर शेर हैं और तमाम मामलों में वो सबसे पहले अपनी क्या कहेंगे पहलवान जी, अभी जो ये घटना हुई है हाथरस कांड भी हुआ था इससे पहले, अब ये फिर से घटना हुई 8 साल की बच्ची के साथ, क्या कहना चाहेंगे, क्या वाल्मीकि कॉमेडी को टारगेट बनाया जा रहा है इन तमाम घटनाओं को लेकर? ये हाथरस से भी घिनौना कांड है, हाथरस से भी घिनौना कांड है। एक छोटी सी बच्ची को, 8-9 साल की बच्ची को इन्होंने जो ये बात करी है शर्मसार है। हम ये पूछना चाहते हैं सेंटर से, दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में तो कुछ है नहीं, वो सारा एलजी के हाथ में है, तो सेंटर गवर्नमेंट से हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये कब तक वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा हुआ? जुल्म होता है तो अलग बात है, उसके बाद जो सबूत है वो छुपाए जाते हैं, जैसे बहन मनीषा के लिए छुपाया गया, इंक्वायरी करी तो सारे ठाकुर हैं, डॉक्टर में आए तो सारे ठाकुर हैं, उसको ले आके जला दिया गया है, उसको है ना सारा जला दिया है, बात ये पकड़े बेटा, उसको है ना सारा जला दिया गया है। 4 दिन से टीम लगी हुई है और उनका एक ही मिशन था कि यहाँ कोई भी समाज का तो आदमी आए, राजनीति करने नहीं आए। तो इन लोगों ने ये करा, तो जो हमने सोचा था कि जो यहाँ से बहन जो हमारा मनीषा के साथ हुआ है वो दिल्ली में कम से बैठ के ऐसा तो कांड ना हो जो उसके सबूत जो मिटाए जाएँ या किसी और दिशा में वो घुमा दिया जाए। एक तो यहाँ जितने भी लोग आए हैं हमें समर्थन करना चाहिए, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका समर्थन करना चाहिए, हम इनके समर्थन में आए हैं। इन्होंने कदम तो उठाया पॉलिटिकल हटके, ये समाज ही घटता है, हर ना कोई आदमी पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो समाज की बात है वो यहाँ घटते हैं। इतने सी भाई है, हम पार्टी से हैं, फैन है, ये है, तो इसलिए ना तो इसलिए जो भी बैठ जाएंगे। क्या लग रहा है ये यही बात है, राजनीति रोटियां कोई ना सेके, इतने तो हम आए, ये भीम वाले आ गए, कोई और आ गए, ये संसद जब इतने हमारे देशी हैं संसद में जाके आवाज क्यों उठा रहे हैं, ये संसद में जाके आवाज क्यों उठाते हैं? अगर जो हमारे देशी हैं संसद में जाके आवाज उठाओ, यहाँ वोटों की राजनीति करने आ गए संसद में? तू बैठते हो 130 है दलित 130 पर एक बात भी नहीं बोलेगा, ये चमचे गुलाम है, ये मलाई खाने वाले हैं, इनको जब आएंगे ना ये पल्पिट में दलितों के बीच में, इनको मारेंगे मारेंगे पीटेंगे। बाबा साहब ने हक दिया कि 130 आदमी जिसके तरफ जाएंगे उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, फिर भी ये गुलाम पैदा है, मेरा बाप गुलाम था, मेरा दादा गुलाम है, मैं भी गुलामी करूंगा, ये तो बीजेपी के अंदर हमें सीखना चाहिए कि मेरे दादा ने गुलामी छोड़ी है, अब मैं छोड़ूंगा, अब मेरे बच्चे छोड़ेंगे, कभी तो छूटेगी, कभी तो ये गुलामी छूटेगी। मैक पढ़ के आते हैं, नीचे कुछ और ऊपर कुछ और भूमिका बना के बात करते हैं, 2 घंटे की स्पीच देंगे, हम समझाएंगे घर में क्या हो रहा है ये नहीं पता, लुगाई कहाँ जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं ये नहीं पता, और लोगों की पंचायत करने आएंगे। हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं जहाँ समाज की बात है वहाँ सबको उठा के दूर कर देना चाहिए, पहले समाज है उसके बाद पार्टी है, पार्टी में जो हमें जगह मिलती है किसकी वजह से मिलती है? समाज की वजह से, और उसी को समाज को हम बेच दें। तो आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैनिंग आज ये हमारा समाज कर रहा है, ये जो कर रहे हैं ना हमारा समाज कर रहा है, किसी भी रूप में कर रहा है, हाय हाय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब जागरूक तो हो रहा है, एक आवाज़ तो जा रही है, इससे नेताओं की गंदी होगी, नेताओं को एक मैसेज आएगा कि हमारी जरूरत नहीं है यूथों को, ये बहन आ गए जो लोग आ गए हैं, ये राजेंद्र पाल गौतम भी आए थे दिल्ली के सोशल जस्टिस मिनिस्टर, जी जी उन्होंने कहा था कि हम इस केस में भरोसा दिलाया कि मुआवजा भी दिलवाएंगे और तमाम बड़े बड़े दावे उन्होंने किए हैं, जी जी इस तरीके से ले रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, दावे जो कर दिए वो तो एक लॉलीपॉप चुसाने वाली बात है, इलेक्शन आ रहे हैं सही है, जो आदमी तनख्वाह नहीं दे रहा, जो आदमी वाल्मीकि को पक्का नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें जो तो इसमें प्रावधान है, इसमें मुआवजा देने का भी एक प्रावधान है, सही है ना? आपको जोनल में जो होता है कॉस्को में उसके अंदर मुआवजा देते हैं, वो तो कॉस्को में नहीं थी निर्भय, उसको तो 1 करोड़ का फ्लैट दिया है राजीव गांधी ने घर पर जाके, इशू ये नहीं है जो पूछ रहा तू, इशू ये है कि वाल्मीकि समाज अब सक्षम हो गया है, जो वाल्मीकि समाज जो घूमता था ना नेताओं के पीछे, अब उनको नेता की जरूरत नहीं है, अब हमारा युद्ध खुद खड़ा हो गया, हमारे लोग बाग ना खड़े हो गए, तो इसलिए ना ये अच्छी चीज़ है, हमारे लोग बाग सक्षम हो गए,
इनको एक नई सीख मिल रही है। मोर सिंह पहलवानों क्या करने वाली है? मैं मोर सिंह और पहलवान और हमारी टीम, हम समाज के सेवक हैं, हम समाज के सेवक हैं, और ये सेवा हमें मिलेगी तो हम जो चीज इनकी टूट फूट है वो टूट फूट करेंगे और आगे इनको रखेंगे, आगे समाज को रखेंगे। ऐतिहासिक है, बहन है, ये है, वो है, जितने भी लोग बाग आए हैं जिनको हम जानते भी नहीं, जिनको हम जानते भी नहीं वो इस जगह आए हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो ये बहुत बढ़िया जगह है। तो विनोद जी आप आइए, बोलिए क्या बोलना है, बोलिए।